श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 4 दिसंबर को है मार्गशीर्ष महीने का पहला सोमवार और बड़ा सोमवार, और दोस्तों 5 दिसंबर को है यहाँ पर मंगलवार का दिन और काल भैरवाष्टमी। दोनों ही दिन बहुत ही ज़्यादा बड़े और विशेष और महत्वपूर्ण है, और साल का ये आखिरी महीना है, इसलिए साल के आखिरी महीने का हर दिन बहुत ज़्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। और 4 दिसंबर को तो ये बड़ा सोमवार है, इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 4 दिसंबर मार्गशीर्ष महीने का पहले सोमवार और 5 दिसंबर जिस दिन है काल भैरवाष्टमी के दोनों दिनों के कुछ विशेष उपाय बताएंगे जो कि पंडित जी ने यहाँ पर अपनी कथाओं में बताए हुए हैं, और हर एक उपाय को करने से आपको वो फ़ायदा मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। पर उसके लिए पहले आपको उपाय को अच्छे से सुनना होगा, उसके बाद ही यहाँ पर करना होगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं 4 दिसंबर 2023 सोमवार के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। दोस्तों सबसे पहले जो उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो उपाय के बारे में बात करेंगे 5 कनेर के फूल के बारे में। दोस्तों करना क्या है इस उपाय में, बहुत ही आसान ये उपाय है, बस आपके पास इस उपाय को करने के लिए 5 कनेर के फूल होने चाहिए। करना क्या है, आपके घर के आसपास जहाँ पर भी कनेर का पेड़ का मतलब लगा हुआ हो, आपको वहाँ पर जाना है और सिर्फ 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। अगर आपको एक भी मिल रहा है मुश्किल से तो एक ले आना, वरना उपाय में 5 कनेर के फूल आपको लेकर यहाँ पर आने हैं। और सोमवार के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह आपको शुद्ध होना है, स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर बिल्कुल तैयार हो जाना है। अब अपने साथ में जो भी आप शिव जी की पूजन अर्चना करने के लिए जो भी सामग्री रखना चाहते हैं वो आप लोग अपने साथ में रख लीजिए। एक लोटा जल, बेलपत्र वगैरह जो भी रखना चाहते हैं वो रख लीजिए, क्योंकि सोमवार का दिन है तो बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर सोमवार की एक अलग पूजन करते हैं भगवान शिव जी की, ठीक है। तो ये पूजन की सामग्री तो आप रखेंगे ही, पर साथ में उपाय के लिए सिर्फ आप लोग 5 कनेर के फूल अपने साथ में तैयार करके पहले से रख लेना, ठीक है। तो आपको अपने घर से निकलना है पूरी तैयारियों के साथ में और 5 कनेर के फूल विशेष रूप से अपने साथ लेकर शिव जी के मंदिर पहुँचना है। शिव जी के मंदिर पहुँच कर सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप जो शिव जी की पूजन अर्चना करना चाहते हैं, शिव जी पर जल चढ़ाना चाहते हैं, बेलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं, वो पहले आप लोग चढ़ा दीजिए, जल चढ़ा दीजिए, फूल बेलपत्र चढ़ा दीजिए। जैसे ही आपकी खुद की पूजन हो जाए सोमवार की, या जो भी आप पूजन कर रहे हैं वो हो जाए, उसके बाद में आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में आकर बैठ जाइए, ठीक है। बैठने के बाद अब वह आप अपने 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, ठीक है। 5 कनेर के फूल आप अपनी पूजन में उपयोग मत करना, ये उपाय के लिए ये 5 कनेर के फूल है। अलग से चाहो तो आप चढ़ा सकते हो, पर उपाय में 5 कनेर के फूल आप लोग ज़रूर रखना, ठीक है। तो करना क्या है, देखो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठ गए, हम कितने कनेर के फूल लेकर आए हैं, 5 कनेर के फूल लेकर आए हैं। तो भाई कनेर के फूलों का जो उपाय है वो भी बड़ा होता है, और इससे जो है मनोकामना पूर्ण होती है। तो आप अपनी किसी भी एक मनोकामना को सोच कर रख लेना, आप जिस भी मनोकामना को सोच कर रखेंगे आपकी वह मनोकामना नए साल में ज़रूर पूर्ण होगी, ठीक है। तो उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहली चीज़, आपके पास 5 कनेर के फूल हैं तो इन 5 कनेर के फूलों को आपको 5 अलग अलग स्थानों पर चढ़ाना है, वही यहाँ पर ध्यान से सुनने वाली बात है। तो देखिए सबसे पहला आप लोग अपना कनेर का फूल निकाल लीजिए, ठीक है। पहला कनेर का फूल निकालने के बाद आपको कहाँ पर चढ़ाना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग पर जो गणेश जी का स्थान होता है, मतलब जलाधारी होती है, जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होता है, सीधा हाथ होता है, उस तरफ जो है गणेश जी का स्थान होता है। तो आपको पहला फूल वहाँ पर चढ़ाना है कनेर का। दूसरा फूल आप लोग कहाँ पर चढ़ाएंगे, जो मतलब शिवलिंग के ऊपर ही कार्तिकेय जी का स्थान होता है, जो कि जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड होता है, उल्टे हाथ पर होता है, वहाँ पर दूसरा कनेर का फूल आप लोग चढ़ा देंगे। तीसरा कनेर का फूल आप लोग कहाँ पर चढ़ाएंगे, वो आप लोग चढ़ाएंगे यहाँ पर जो माता अशोक सिंधु जी का स्थान होता है जलाधारी के ऊपर, मतलब जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में, ठीक है। वहाँ पर तीसरा कनेर का फूल चढ़ाएंगे, ठीक है। ये 3 जगह आपने 3 फूल कनेर के चढ़ा दिए हैं। अब जो चौथा स्थान होगा वो कौन सा होगा, चौथा कनेर का फूल जो आप चढ़ाएंगे वो चढ़ाएंगे माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर। अब माता जगदम्बा जी का हस्तकमल कहाँ पर होता है, जहाँ पर जलाधारी के ऊपर शिवलिंग रखा हुआ होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है गोलम गोल, उसी के आसपास कहीं पर भी आप ये चौथा कनेर का फूल रख देना, ठीक है। अब आपके पास 4 कनेर के फूल तो आपने चढ़ा दिया, 5वां आखिरी कनेर का फूल बचेगा जो कि आपको सीधा चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, और फूल का खिला हुआ भाग सामने की तरफ करके रखना, इस बात का ध्यान रखना। तो जैसे ही आप लोग अपना 5वां कनेर के फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा रहे हो, तो उस समय भगवान से अपनी मनोकामना एक बार जरूर बोल देना, जिस भी मनोकामना के लिए आप यह वाला उपाय कर रहे हो आपकी वह मनोकामना जरूर पूर्ण होगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, इस मार्गशीर्ष महीने के इस बड़े सोमवार के दिन किए जाने वाला। तो दोस्तों अगला जो उपाय है वो है दोस्तों 108 चावल के दाने वाला उपाय। ये वो उपाय है जिस उपाय को करने से आपकी सारी दुख और समस्याएं तो दूर होंगी ही, साथ ही में आपको भगवान शिव जी का आशीर्वाद बिना मांगे मिलेगा, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना होता है, इस उपाय में मात्र आपको अपने घर से
क्या करना होता है, 108 चावल के दाने लेकर जाने होते हैं। कहाँ से लेकर जाने होते हैं कि आपको कहीं अलग से लेकर नहीं जाने होते हैं, जो आपके घर के रसोई घर में मतलब चावल रखे हुए होते हैं उन्हीं चावल में से बस 108 चावल आपको अपने घर से ही गिनकर लेकर जाने होते हैं। और इन चावलों में से एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मतलब साबुत चावल के दाने वो होने चाहिए, ठीक है। साबुत चावल के दाने होने के बाद में आपको क्या करना है कि भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचना है, और जो भी आप पूजन अर्चना की सामग्री लेकर जाना चाहें वो लेकर जा सकते हैं। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, सबसे पहले जाकर आप अपनी पूजन अर्चना कर लें सुबह सुबह, है ना, जो भी जल चढ़ाना चाहते हैं, बिलपत्र फूल वगैरह चढ़ाना चाहते हैं वो सब कर लें। उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में बैठे, और आपके पास कुल 108 चावल के दाने हैं, तो आपको करना क्या है, इन 108 चावल के दानों को एक साथ ना चढ़ाकर एक एक करके चढ़ाना है। और हर चावल के दाने को आप जब शिवलिंग के ऊपर चढ़ाओ तो मन ही मन में या मुख से एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है, ठीक है। हर एक चावल के दाने को चढ़ाते समय आपको मंत्र का जाप करना है, इस बात का ध्यान रखना। जैसे कि पहला चावल के दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, दूसरा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला, इसी प्रकार से आपको पूरे चावल के दाने चढ़ाते समय, हर दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। बस जो आपका 108वां चावल का दाना होगा, मतलब सबसे आखिरी वाला, उस पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के साथ में अपनी मनोकामना भगवान शिव जी से जरूर बोलनी है। ये दुख और समस्या जो आपके जीवन में चल रही है वो बोलनी है, उसके बाद ही वह 108वां चावल का दाना आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर यहाँ पर समर्पित करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले सबसे बड़े उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को इस सोमवार के दिन करना है, मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार के दिन, अपने घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको दो उपाय बताएंगे धन संपदा को बढ़ाने वाले, इसी सोमवार के, एक सुबह का है और एक शाम का है, ठीक है। तो सुबह का सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुबह का कौन सा वो उपाय है जिस उपाय को करने से इस मार्गशीर्ष महीने के पहले सोमवार को आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। तो इसके लिए आपको मात्र करना यह है कि आपके घर में जो आप एक लोटा जल आपके घर से लेकर जाते हो, उसी एक लोटे जल के अंदर मात्र एक चीज़ डालनी है, वो है दोस्तों कमलगट्टा। कमलगट्टा आपको किसी भी भोजन वाली दुकान से मिल जाएगा, 1-2 रुपए का कुछ आता है, तो आप एक कमलगट्टा मात्र लेकर आ जाना, और एक कमलगट्टा सिर्फ और सिर्फ अपने जल के उस लोटे में डाल देना जो आप भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हो, ठीक है। उस लोटे को, जल को लेकर पहुँचना भगवान शिव जी के मंदिर में, और उस जल को फिर भगवान शिव जी पर आप चढ़ा देना एक धारा से धीरे धीरे करके, है ना, और वो कमलगट्टा अपने आप ही जल के साथ भगवान शिव जी पर चढ़ाया, इस बात का ध्यान रखना। उस कमलगट्टे को आपको वापस नहीं लाना है, उस कमलगट्टे को आपको शिव जी पर ही छोड़कर यहाँ पर आ जाना है, ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे ही आप लोगों ने जल चढ़ा दिया, जल चढ़ाने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है, अपनी मनोकामना बोलना है कि आपके घर में जो भी धन से जुड़ी हुई समस्या है वो दूर हो जाए, और माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर परिवार पर हमेशा बनी रहे, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब बात करते हैं शाम के समय किए जाने वाले उस विशेष उपाय के बारे में, चूँकि आप जिससे आपके घर में धन संपदा बढ़ेगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, शाम के समय एक दीपक तैयार करना है, ठीक है। कौन सी बाती का, गोल बाती का, ठीक है। लंबी बाती का भी कर सकते हो, क्योंकि यह जो दीपक है ये बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगेगा, है ना, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन शाम के समय माता लक्ष्मी जी जो है मतलब वहाँ पर विराजित होती हैं। तो इस समय पर आप लोग गोल बाती का भी लगा सकते हो, लंबी बाती का भी यहाँ पर दीपक लगा सकते हो, ठीक है। तो करना क्या है, एक शुद्ध देसी गाय के घी का गोल बाती या लंबी बाती का घी का दीपक तैयार करके आप किसी भी जो है यहाँ पर बेलपत्र के वृक्ष के नीचे शाम के समय पहुँचना, बड़े वाले बेलपत्र का वृक्ष होना चाहिए, और वहाँ पर जाकर इस दीपक को जला देना, और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अपने घर में माता लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए, धन संपदा को बढ़ाने के लिए। और वो दीपक लगाकर आप लोग उस समय जाप करके अपने घर वापस जाना, आपके घर में कुछ ही समय में धन संपदा बढ़ना चालू हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों ये तो वो उपाय थे जो कि आपको 4 दिसंबर मार्गशीर्ष महीने इस पहले सोमवार के दिन करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन के बारे में, मतलब 5 दिसंबर जिस दिन मंगलवार है और काल भैरव अष्टमी है, इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम आपको उपाय बताएंगे इस दिन, वो आपके घर में मतलब अगर आपके घर में किसी का व्यापार बिजनेस नहीं चलता है, व्यापार बिजनेस बड़ा धंधा है कोई सा, और उसमें आपको अब बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है या किसी वजह से चल नहीं रहा है, तो भाई उसके लिए आपको यह वाला एक उपाय ज़रूर करना है। इस उपाय में क्या करना है, किसी की फैक्ट्री व्यापार बिजनेस वगैरह नहीं चल रहा है तो ही आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। तो देखिए इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले जिसका व्यापार बिजनेस हो वो खुद भी इस उपाय कर सकता है, या तो माताएं बहनें भी इस उपाय को उनके लिए कर सकती हैं अपने घर में बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो करना क्या है, देखो सबसे पहले चीज़ इसमें आप लोगों को एक चीज़ की आवश्यकता होगी, वो होगी एक कांच की कटोरी। कांच की एक प्याली होती है, मतलब कांच की कटोरी आप लोग मान लो, कांच का कोई बर्तन आप लोगों को इस उपाय में लेना है, ठीक है। तो कांच का बर्तन लेने के बाद उस कांच के बर्तन के अंदर आप लोगों को कुछ सामग्री भी रखनी है, जो सामग्री हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है। पहले तो वह कांच की कटोरी
अंगूर या कांच की प्याली आप लोग ले लेना। फिर उसके बाद में उस कांच की प्याली के अंदर आप लोगों को रखना है 7 कपूर के टुकड़े। कितने रखना है? 7 कपूर के टुकड़े। कपूर के टुकड़े आपने देखे होंगे किसी भी पूजन वाली दुकान पर आपको आराम से मिल जाएंगे, तो 7 कपूर के टुकड़े लाना छोटे छोटे और उसको इसके अंदर रख देना। इसके बाद में दोस्तों आपको फिटकरी के 2 टुकड़े लेना है। कितने लेना है? फिटकरी जो होती है ना वो भी आपको दुकान पर मिल जाएगी, तो फिटकरी के सिर्फ 2 टुकड़े लेना है, है ना। कितने? 2 टुकड़े, है ना। तो यहाँ पर आपको कांच की कटोरी के अंदर 7 कपूर के टुकड़े, 2 फिटकरी के टुकड़े और एक खड़े नमक का टुकड़ा आप लोगों को लेना है, जो कि इसी कटोरी के अंदर, इसी कांच की कटोरी के अंदर आप लोगों को रख देना है। और सिर्फ इस कटोरी को उठाकर आप लोगों को अपने उस व्यापार वाली जगह पर लेकर जाना है, बिजनेस वाली जगह पर लेकर जाना है या फैक्ट्री में लेकर जाना है, और वहाँ पर ले जाकर किसी अच्छे स्थान पर इसे रख देना है। और 15 दिनों तक आपको इसे वहीं पर रखे रहने देना है। फिर आप चमत्कार देखना कि आपकी बिजनेस, आपका फैक्ट्री, आपका व्यापार कैसे चलने लगेगा और आपको कितनी आमदनी वो देने लगेगा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा उपाय है, तो इस उपाय को ज़रूर करके देखें। उसके बाद में दोस्तों एक और बहुत बड़ा उपाय है, जिस उपाय को करने से अगर आपके घर में कोई रोग और बीमारी से ग्रसित है तो भाई वो ठीक हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार के दिन ही जो है प्रातःकाल सुबह सुबह एक बेलपत्री लेनी है और 2 शमीपत्र लेना है और लाल चंदन लेना है। इन तीनों चीज़ों को लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाइएगा। भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच कर सबसे पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लीजिएगा, जो भी करना चाहें वो करने के बाद शिवलिंग के पास में बैठिएगा। शिवलिंग के पास में बैठने के बाद आपको अपने सामने सबसे पहले वे बेलपत्र रखनी है, चकना भाग अपने सामने की तरफ करके रखिएगा। अब देखिए बेलपत्री में कितनी पत्तियाँ होती हैं? 3 पत्तियाँ होती हैं, जिसमें से एक बीच वाली बड़ी पत्ती होती है और नीचे की साइड की 2 पत्तियाँ होती हैं। तो आपको करना क्या है, बीच वाली बड़ी पत्ती पर तो कुछ नहीं करना है, पर जो नीचे की साइड की 2 पत्तियाँ होंगी, एक साइड होगी और एक इस साइड होगी, ठीक है। तो दोनों पत्तियों पर एक एक शमी पत्र आपको रखना है, जो हमने आपसे लाने के लिए बोला था, ठीक है। तो एक साइड की पत्ती पर एक शमी पत्र रखना, दूसरी साइड की पत्ती पर एक शमी पत्र रखना, बीच वाली बड़ी पत्ती पर कुछ नहीं रखना है। और जो आप अपने साथ थोड़ा थोड़ा लाल चंदन लेकर आए हैं, उस थोड़े थोड़े लाल चंदन को भी इस बेलपत्र की दोनों साइड की पत्ती पर थोड़ा थोड़ा रख दो, ठीक है। एक चुटकी रख दो और ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सिर्फ एक बेलपत्री को तैयार करके इस बेलपत्री को भगवान हनुमान जी के, क्योंकि मंगलवार का दिन है तो भगवान हनुमान जी के 3रे नंबर के भाई जिनका नाम गतिमान है, तो गतिमान जी हनुमान जी का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्री को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। और इस बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना करना है उस व्यक्ति के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के शरीर में रोग और बीमारी है, जिस व्यक्ति को शरीर से बहुत ज़्यादा कष्ट है, किसी भी तरह की उसको शरीर में दुख और समस्या चल रही है, तो उसके लिए आप ये प्रार्थना कर लें। अगर वो खुद इस उपाय को कर सकता है तो वो खुद करे, अगर नहीं कर सकता है तो उसके लिए उसके घर का कोई सदस्य इस वाले उपाय को कर सकता है। इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको आपके रोगों में बहुत ज़्यादा अंतर देखने के लिए मिलता है, आपके शरीर में जो भी दुख और कष्ट होते हैं उनसे भी आपको जो है निजात